गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने बेटा अब मैटर की दो स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, सॉलिड एंड लिक्विड। आज हम गैसेस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आप सबको पता है बेटा, जो हमारी एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनविजिबल लाइक लिक्विड, गैसेस आल्सो फ्लो एंड डोंट हैव फिक्स्ड शेप और साइज। इसने क्या बोला बेटा, जो मोस्ट ऑफ द गैसेस हैं, बहुत सारी जितनी भी गैसेस हैं बेटा, वो क्या होती हैं, इनविजिबल होती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती है। लिक्विड की तरह बेटा जो हमारी गैसेस है ऑल्सो फ्लो, वो भी क्या होती है बेटा, बहती है, यानी कि हवा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करती है। एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और साइज, और जो हमारी एयर होती है बेटा, ना उसका कोई फिक्स शेप है, ना उसका कोई फिक्स साइज़ है। एग्जांपल के लिए, जैसे ही आप गैस को क्या डालते हो बेटा, गुब्बारों के अंदर फिल करते हो, ठीक है, तो जो बलून्स हैं उनका साइज़ क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या कि हमने क्या किया, गैस को इन बलून्स के अंदर फिल किया, गैस ने क्या किया, उन बलून्स की क्या कर ली बेटा, शेप अटेन कर ली, ठीक है। अगर आप गैस को किसी भी और कंटेनर के अंदर डालते हो तो वो उसी की शेप क्या ले लेता है बेटा, अटेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। चेंजिंग का मतलब क्या है बेटा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मैटर का चेंज हुए। जैसे कि पहले सॉलिड में हो, उसको हम लिक्विड में बदल दें, फिर गैसेस फॉर्म में बदले, फिर दोबारा से किस में ले आए बेटा, सॉलिड फॉर्म में ले आए। इस तरीके से सबसे पहले क्या लिया हमने, सॉलिड क्या ली बेटा, आइस क्यूब्स ली, बर्फ लिए, ठीक है। उसको हमने क्या किया बेटा, मेल्ट कर लिया, पिघला लिया। जैसे ही वो मेल्ट हुई, वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड, आइस किस में बदल जाएगी, वाटर के अंदर, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंजिंग हो गया, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंजिंग हुआ। उसके बाद जैसे ही लिक्विड को आपने क्या किया बेटा, गर्म किया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है, यानी कि स्टीम, यानी कि भाप बन के वो क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टीम करते वक्त उसके ऊपर क्या कर देते हो बेटा, एक लिड, यानी कि एक ढक्कन लगा देते हो, तो जो वाटर वेपर्स होंगे वो इस लिड के ऊपर आपके कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो स्टीम है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसको दोबारा से फ्रीज करते हो बेटा, जो वाटर है उसको दोबारा से आप फ्रीज के अंदर रख दो, फ्रीज़र के अंदर रख दो, तो यानी आपने उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो आपके जो लिक्विड है वो दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंजिंग करते हैं। कल हम ये जो प्रोसेस है बेटा, जैसे मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, इसके बारे में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।